वी आर इन वन पार्क, जो हमें पता नहीं था कि हमारे घर के इतने पास इतना बड़ा गार्डन है। ये क्या कर रहे हो? सब्जी लगा रहे हो क्या? व्हाट इज दिस? नहीं नहीं कर लिया आपने? नहीं नहीं, नहीं? ऐसे नहीं करते। चाबी दे दो मुझे, गिव मी द कीज। दो चाबी। अरे ये वाली चाबी लेनी नहीं है मुझसे, तेरे हाथ में जो चाबी है वो दे। दे ना बेटा। बेटा गर्मी बहुत है, मैं लेके जाऊंगा शाम को बाहर। अभी पापा को काम करना है बेटा। टेकन द कीज, में जा रहा हूँ। वो एक्चुअली बाहर जाने की जिद कर रहा था, बाहर में उसको लेके जा नहीं सकता बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, और तो उसको इस हालत में, इस सिचुएशन में अगर बाहर लेके जाएंगे तो उसकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज, एंड आज का दिन है थर्सडे का, परसों सैटरडे संडे, तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड। चार दिन का लोगों का कंटिन्यूस छुट्टी है, सो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग आउट ऑफ मुंबई एंड आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सिटीज़, एंड अपन लोग तो काम करेंगे, हमारी छुट्टी नहीं है तो हमें काम करना है। स्टार्ट आज का दिन का काम का जो शेड्यूल है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का दिन पूरा मीटिंग्स में निकला और मैं जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ, सभी थोड़ा सा भूख लग रहा था, मैं देखता हूँ कुछ खाता हूँ और अभी इशू से मिलता हूँ जाके, और इशू के साथ खेलते हैं थोड़ा, उसको नीचे लेके जाना है, घुमाना है, बिकॉज नहीं तो वो कल की तरह होगा, वो क्रैंकी होगा, वो डोर की तरफ भागेगा, उसको नीचे जाना होगा और उसको नीचे लेके जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। चलो इशू। डिंगा चिंगा 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 इसको बहुत मजा आता है ऐसे सीढ़ियों से उतरने में, बहुत स्माइल करता है, बहुत हंसता है ये। डिंगा चिंगा डिंगा चिंगा डिंगा चिंगा बच्चों को ले लिया और इसको एक राउंड कटवा के लाना इज अ मस्ट। शिक्षु को हम एक नए गार्डन में लेकर आए हैं जो घर के पास है, थोड़ा सा एक 100-150 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ हम बहुत टाइम से आना चाह रहे थे बट मौका ही नहीं लग पा रहा था, बट आज फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। देख तेरी आंटी तो अभी घर गई है। ए ले अले आंटी यहाँ मिल गई, प्रथमेश यहाँ पर मिल गया और दीदी यहाँ पर मिल गई, तो अभी उनके साथ खेल रहे हो। सुबह सुबह का टी टाइम अपना, और मैं बना रहा हूँ चाय। चाय में पड़ा है ऑब्वियसली जो यूजुअल थिंग होती है वो डालते हैं हम लोग, बट लेमन ग्रास एक फ्लेवर के लिए अपन लोगों ने डाला है इसमें। एंड हमारे इक्षु महाराज बोल रहे हैं ताए। क्या ताए? गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नहीं बोलने का, चलो ठीक है, इसका मन नहीं है गुड मॉर्निंग बोलने का, बट मैं बोल देता हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कल का व्लॉग मैं ख़त्म नहीं कर पाया था तो आज का व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कांदा खत्म है और कड़ी पत्ता खत्म है, उसके बिना ना तो सांभर बनने वाला है, ना ही चटनी में, मतलब जो नारियल की चटनी उसमें छोंक लगने वाला है, तो मैं अभी जा रहा हूँ कड़ी पत्ता और कांदा लेने। भैया थैला का है, जूट का थैला दे दो एक। सो आज अच्छा खासा प्लान था एक्चुअली बोरीवली नेशनल पार्क जाने का, बट हम लोग जा नहीं पाए, हम लोग रात को लेट सोए बिकॉज एक थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था और फिर अपना सुबह लेट ही उठना हुआ, तो अपन लोग कहीं निकल नहीं पाए। एंड करीब 7-7.5 बजे हम लोग उठे हैं, तो तब तक एक्चुअली अपने को पहुंचना होता है बोरीवली नेशनल पार्क, बिकॉज 7 बजे गेट खुलता है,
सात बजे अगर नहीं पहुंचे और 7:30-8 हुए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है तो धूप हो जाती है, उसके बाद देर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू बोरीवली नेशनल पार्क। एंड उसके बाद वहाँ पे एक और जगह है ऊपर जाके, डेट इज़ कानेरी केव्स, तो वहाँ पर भी अपना जाने का प्लान था एक शो को लेके, बट वो भी नहीं हो पाया। तो अभी नया नया सुबह बोरीवली नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें उसको दिखी एंड शी सो एक्साइटेड कि यार वहाँ पे हम लोग क्यों नहीं गए अभी तक। और उसने मुझे बोला कि यार मुझे और ईशो को वहाँ जाना है और रोज़ लेके जाना है। मैंने कहा यार बोरीवली नेशनल पार्क रोज़ लेके जाना मीरा रोड से मतलब 2-3 घंटा मिनिमम चाहिए अगर आप जा भी रहे हैं, और ऑफिस कैसे जाएंगे फिर हम लोग। तो एटलीस्ट छुट्टी वाले दिन हम लोग एक दिन जाया करेंगे और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हैं एक्सप्लोर करेंगे, लाइक वहाँ पे जो टाइगर सफारी है, वहाँ पे जो ट्रेन है, वहाँ पे जो कानेरी केव्स है, वहाँ पे जो बोटिंग का एरिया है वो हम लोग सारा कवर करेंगे। शेफ साहब के पास आया है सांबर टेस्ट करने के लिए, टेस्ट नहीं है अभी इसमें, सांबर पाउडर भी डालूंगा, खट्टा होना चाहिए, पकना चाहिए, टेस्ट नहीं है सांबर का जो टेस्ट आता है ना वो टेस्ट नहीं आ रहा है अभी इसमें। इसमें खट्टा डलेगा मतलब इमली डलेगा, इसमें सांबर पाउडर और डलेगा और ये प्रॉपरली पकेगा। थोड़ा नमक भी मुझे कम लग रहा है। बेटा क्या कर रहे हो, ये कड़ी पत्ता क्या कर रहे हो तुम? नहीं ये ले, जानटी के साथ घुमा बाहर जाएगा। इडली रेडी? इडली से पूछ रहे हो? इडली रेडी? इडली बोलो, रेडी हूँ मैं। रेडी है, मुझे खा लो। सांबर रेडी? सांबर भी रेडी है, सांबर भी रेडी है, खाओ। सांबर रेडी, चटनी रेडी? चटनी रेडी है। एक्चुअली तेरे दामू कहाँ हैं? कहाँ हैं दामू? दामू कहाँ हैं? दामू कहाँ हैं? दामू बताओ कहाँ हैं? दामू कहाँ हैं? देखो देखो उधर इक्षु के दामू। इक्षु झाड़ू को दामू बोलता है और हम इसे झाड़ू छुपा के रखते हैं, बिकॉज ये झाड़ू के पीछे ही पड़ा रहता है और झाड़ू लेता है और झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देता है। सो वी आर इन वन पार्क, जो हमें पता नहीं था कि हमारे घर के इतने पास इतना बड़ा गार्डन है। इट हैज़ अ जॉगिंग ट्रैक, इट हैज़ लॉट ऑफ ट्रीज, इट हैज़ लॉट ऑफ यू नो झूलास जो बच्चों के लिए है। हम एक पार्क में कल गए थे, वो पार्क अच्छा है, बड़ा है, बट ये ह्यूज है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया जॉगिंग ट्रैक्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं, ट्रीज़ इन्होंने अभी प्लांट किए हैं थोड़े टाइम पहले ही शायद। सो हम लोग उधर गए थे तो हमें कहा यार इतना अच्छा पार्क है, बट यहाँ पे आके पता लग रहा है कि इससे भी अच्छा पार्क है। तो विल बी यू नो विजिटिंग दिस प्लेस अगेन एंड अगेन। सो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म कर रहे हैं और हम घर जा रहे हैं अभी, और हम कल मिलेंगे आप लोगों से अगेन एक नए व्लॉग में। टिल देन गाइस टेक केयर एंड गुड नाइट।